हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफिनाइट सीरीज़। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कुछ कंपैरिजन टेस्ट, पी सीरीज़ टेस्ट, कि अगर हमारे पास कुछ इनफिनाइट सीरीज़ आएंगे तो उन टेस्ट को हम उन पे कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। बस उसी जर्नी को मैं आज आगे ले जाने वाली हूँ और हमारा जो सिक्स्थ एग्जाम्पल है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम केवल एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, कोई कॉन्सेप्ट नहीं सीखने वाले, ठीक है? सो इफ़ यू वॉन्ट टू सॉल्व एग्जाम्पल विथ मी देन कैरी ऑन। तो हाँ, ये रहा समेशन एन गोज़ फ्रॉम 1 to infinity एन प्लस 1 टू द पावर 1/3 माइनस एन टू द पावर 1/3। अब यही है कि आप इसमें एन नहीं निकाल सकते सीधे सीधे कि वो ज़ीरो को कन्वर्ज कर रहा है कि डाइवर्ज कर रहा है, तो हमने कंपेरिजन टेस्ट ही लगाने हैं। तो ऐसे केस में सबसे पहले हम एन लिखते हैं, इट इज़ एन प्लस 1 टू द पावर 1/3 माइनस एन टू द पावर 1/3। अब ये है कि ऐसे केस में ज़्यादातर हम कॉमन निकालेंगे। तो देखिए क्या बनता है ये, क्योंकि यहाँ पे भी 2^1/3 है, ये भी 2^1/3 है, तो दिमाग में एक बात आ रही है कि क्यों ना एन की पावर 1/3 को कॉमन निकाला जाए, इसमें से भी इसमें से भी। ये तो निकल जाएगा, माइनस वच बच जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, इट विल बी 1 + 1/(n)^(1/3। ठीक है, अब ये तो निकल आ गया है n की पावर 1/3, लेकिन अब हमें बात करनी है इसकी। अब यहाँ पे थोड़ा सा अजीब सा है, 1 + 1/(n)^(1/3) ऐसा आए तो बाइनोमियल एक्सपांशन लगा दो, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सो n टू द पावर 1/3 और इस पे बाइनोमियल एक्सपांशन लगाएंगे तो क्या होगा, 1 + 1/3 इंटू वो टर्म 1/n, फिर क्या होता है 1/3 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर आएगा आपका 1/n का स्क्वायर एंड सो ऑन, फिर लास्ट में क्या है, माइनस 1 है। तो ये 1 और ये माइनस 1 हो जाएगा आपका कैंसिल, आपका बचेगा n की पावर 1/3 1/3 इंटू 1/n प्लस ये बनेगा आपका 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1 इंटू ये 1/2 फैक्टोरियल और यहाँ पे बनेगा 1/n स्क्वायर एंड सो ऑन, विच इज़ इक्वल टू, यहाँ से आप n कॉमन निकाल दीजिए तो इट इज़ n की पावर 1/3 अपॉन n की पावर 1, अंदर बचेगा आपका 1/3 प्लस 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1 इंटू 1/2 फैक्टोरियल इंटू 1/n, और इसके आगे क्या बचेगा, 1/n² 1/n³ इस तरह से। तो ये लिखने की कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि जब हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएंगे, ब्रैकेट कंप्लीट। अब देखो इसी चीज़ को कैसे लिखा जा सकता है, 1/(n)^(2/3), 1 में से 1/3 मैंने माइनस कर दिया, तो ये बना आपका ए एन। अब हमारे पास थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हम पी सीरीज टेस्ट लगा सकते हैं, ये आपका पी टेस्ट लगा सकते हैं कि एन का पावर 2/3 क्या है, ये 1/(n)^(2/3), इसमें जो 2/3 है वो 1 से छोटा है, तो ये वाली जो सीरीज़ होगी ये क्या करेगी, ये डाइवर्जेंट होगी, है ना, क्योंकि अगर 1 से बड़ा होता है तो कन्वर्जेंट होती है। तो आप क्या कर लीजिए, ये हमारी जनरल टर्म थी, इसको आप ले लीजिए, अब क्योंकि हम ए एन और बी एन लेते हैं ना, तो ये है आपका ए एन और इसको ले लीजिए आप बी एन, ठीक है। और यहाँ पर हम ये भी नहीं कह सकते कि ए एन जो है वो बी एन से लेस देन और इक्वल टू है, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो यहाँ पे हम रेशियो निकाल देते हैं। तो ये भी निकाल दीजिए कि ए एन अपॉन बी एन, यानी कि मैं इस पूरे टर्म को 1/(n)^(2/3) से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास ये वाली टर्म ही बचेगी, है ना। सो विच इज़ इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1 इंटू 1/2 फैक्टोरियल इंटू 1/n, और इस पे क्या लगा दीजिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब ये टर्म आ जाएगी आपकी ज़ीरो, आपके पास क्या बचेगा, 1/3,
वन अपॉन थ्री क्या है, नॉन ज़ीरो है, फाइनाइट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपका ए एन अपॉन बी एन नॉन ज़ीरो फाइनाइट आता है तो दोनों सीक्वेंस सॉरी दोनों सीरीज़ जो है वो डाइवर्ज और कन्वर्ज टुगेदर करती हैं। ठीक है, सो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि समेशन ए एन यानी कि ये वाली सीरीज़ और बी एन यानी कि ये वाली समेशन ए एन एंड बी एन कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। लेकिन बट जो समेशन बी एन है ये क्या हो रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। तो इसका मतलब समेशन ए एन जो कि हमारी मेन सीरीज़ है ये भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। ठीक है, सो जो हमारा एग्ज़ाम्पल है वो एक डाइवर्जेंट सीरीज़ का एग्ज़ाम्पल है। कैसे सॉल्व करना है ये आप समझ चुके होंगे। तो अगर आपके पास एग्ज़ाम में कुछ इस टाइप का आता है तो दिमाग में आपने बस यही रखना है कि कॉमन निकालना है, बाइनोमियल लगाना है, रेशो लेना है और डिसाइड करना है कि कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। अब जो इस तरह के एग्ज़ाम्पल हैं, सेवेंथ एग्ज़ाम्पल जो रूट के अंदर होते हैं, इनको देखकर कभी भी घबराना नहीं चाहिए। यहाँ पे आपका जो पहला स्टेप होता है वो होता है रैशनलाइजेशन का, यानी कि आपने क्या करना होता है, ऊपर नीचे जो भी अंदर की साइन होगी ये वाली बी उन दोनों के बीच में उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जो रूट की प्रॉब्लम है इसको हटा देते हैं और फिर आगे मूव करते हैं। आगे हमको रास्ता मिल जाता है, बस इनिशिएट करना जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो आपका जो an होता है वो कितना आएगा, ये a माइनस बी ए प्लस बी, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ये ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट हट जाएगा, माइनस बी स्क्वायर ये तो रूट हट गया, डिवाइड बाय में प्लस वाली टर्म, ये क्या हो गया आपका n की पावर 4 प्लस 1 प्लस n की पावर 4 माइनस 1। अब इसमें से देखिए ये कैंसिल माइनस माइनस प्लस, तो ऊपर बचा 2, सो इट इज़ 2 अपॉन सेम चीज़। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम n की पावर 4 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो बाहर क्या कॉमन आएगा, जब रूट होगा तो n का पावर 4 का रूट कितना होगा, n की पावर 2, सो दिस इज़ n टू द पावर 2, अंदर क्या है रूट के अंदर, यहाँ से मैंने n की पावर 4 कॉमन लिया था, सो 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर 4 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n की पावर 4। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि अगर मैं 1 अपॉन n स्क्वायर को bn कंसिडर करती हूँ, bn क्या लेती हूँ मैं, 1 अपॉन n स्क्वायर, तो हमारे पास क्या बचेगा, रूट 1 प्लस 1 अपॉन n 4 प्लस रूट 1 माइनस 1 अपॉन n की पावर 4। n टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, सो अगेन हमने क्या लेना है, रेशो लेना है an अपॉन bn का। तो जब आप इस ए एन और बी एन का रेशो लोगे तो ये हमने जो वन अपॉन एन स्क्वायर है इसी को बी एन कंसिडर किया तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिर्फ ये बचेगा, यानी कि 2 अपॉन रूट 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर 4 प्लस 1 माइनस एन की पावर 4। अब आपने इस पे क्या कर देना होता है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ से भी लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाइए इस पे, तो 2 ऊपर वैसे ही रहेगा, यहाँ पे लगाएंगे तो 0, तो रूट में 1 यानी कि 1 प्लस रूट में 1 ही बचेगा यानी कि 2 बन गया, सो इट इज़ 2 बाई 2 विच इज़ 1, जो कि कैसा है, नॉन ज़ीरो फाइनाइट है, नॉन ज़ीरो नॉन इन्फिनाइट फाइनाइट है। तो इसका मतलब आपका ए एन और बी एन दोनों कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर, सो ए एन एंड बी एन कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर, एंड दिस इम्प्लाइज नॉट दिस इम्प्लाइज बट आपका जो समेशन बी एन है ये कैसा है, कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एन की पावर 2 है और 2 आपका वो 1 से बड़ा है, तो पी सीरीज टेस्ट से आप कह सकते हो कि ये कन्वर्ज करता है। इसका मतलब क्या होगा कि ए एन भी कन्वर्ज करेगा, तो हमारी जो मेन सीरीज थी ए एन ये भी क्या है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, सो दिखने में ये
लगता है कि पता नहीं क्या रिप्रेजेंट कर दिया हमारे सामने, बट जब करने जाते हो तो वन ऑफ द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है ये। एक और सिंपल एग्जाम्पल आपके सामने कि वन अपॉन रूट एन साइन वन अपॉन एन। अब इसमें आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हो कि साइन वन अपॉन एन जो आपका साइन एक्स का एक्सपांशन है, बाइनोमियल एक्सपांशन है, या तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो वो क्या होता है आपका एक्स माइनस एक्स का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन। ठीक है, या तो आप ये अप्लाई करो और या तो सिंपल सा है कि थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करो। यानी कैसे, देखिए ए एन इज इक्वल टू वन अपॉन रूट एन साइन वन अपॉन एन। देखो हमने क्या करना होता है, एन टेंस टू इन्फिनिटी करना होता है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि जब मैं एन टेंस टू इन्फिनिटी करूँगी तो यहाँ पे जो है ये जो एंगल है ये ज़ीरो को टेंड करेगा। और आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि साइन एक्स अपॉन एक्स एज एक्स टेंस टू ज़ीरो इज़ वन, है ना। तो वही चीज़ हम यहाँ मैं यहाँ पे अरेंज करने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे सिर्फ ज़रूरत किसकी है, ज़रूरत है इसके नीचे वन अपॉन एन की। तो वन अपॉन एन से नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए आप। ठीक है, तो ये कैसा होगा, ऊपर इसको हम वन अपॉन एन से यहाँ से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब ये एन जो है ना इसके साथ आ जाएगा, यानी कि क्या कि वन अपॉन रूट एन इंटू एन, ये एन इधर आ गया मल्टीप्लाई में और यहाँ पे आपका बना साइन वन अपॉन एन डिवाइड बाय वन अपॉन एन। अब ये क्या बन जाएगा, वन बाय टू प्लस वन, यानी कि एन का पावर 3/2। 3/2 वन से बड़ा है, तो ध्यान रखिए पी टेस्ट आप लगा सकते हैं, साइन वन बाय एन डिवाइड बाय वन बाय एन। ओके, अब आप इसको क्या कंसिडर करेंगे, आप इसको लेके चलेंगे बी एन, इसको बी एन पकड़ लीजिए। तो ए एन और बी एन का जब आप रेशो लेंगे तो क्या बनेगा आपका, ये कैंसिल हो जाएगा बी एन वाला पार्ट, बचेगा साइन वन अपॉन एन डिवाइड बाय वन अपॉन एन। और लगाइए लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऑब्वियसली व्हेन एन टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस एंगल टेंड्स टू ज़ीरो। तो आपका इस फॉर्मूले से, इस लिमिट के फॉर्मूले से इसका आंसर आ जाएगा 1, जो कि कैसा है, नॉन ज़ीरो है, फाइनाइट है। इसका मतलब क्या कि सीरीज़ ए एन एंड बी एन कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। सो दिस इम्प्लाइज कि हमने जो कंपेरिजन टेस्ट पढ़े हैं, सीरीज़ ए एन समेशन बी एन कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। और आपका जो बी एन है ये क्या कर रहा है, ये आपका कन्वर्ज कर रहा है। वाई, क्योंकि आपका समेशन बी एन कितना है, समेशन वन अपॉन एन की पावर 3/2। ये क्या करता है, ये कन्वर्ज करता है। क्यों कन्वर्ज करता है, क्योंकि आप पी टेस्ट लगाएंगे यहाँ पे, तो वन अपॉन एन का पावर 3/2 है और 3/2 जो है वो 1 से बड़ा है। ठीक है, 3/2 इज़ ग्रेटर देन 1 और इसीलिए ये कन्वर्ज करता है। इसीलिए आपका जो ए एन है वो भी क्या है, कन्वर्जेंट है। तो यहाँ पर आप क्या लगा सकते हैं, कह सकते हैं कि ये कन्वर्ज करता है। अब मान लीजिए अब यहाँ पे कॉस होता तो क्या कर लेते आप, सिंपल सी बात है, नहीं आता यहाँ पे, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है कॉस के लिए नहीं बनता है, तो आप यहाँ पे सिंपली बाइनोमियल एक्सपांशन, उसका जो एक्सपांशन होता है आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशो उसका, तो वो आप यहाँ पे सिंपली लगा सकते हो। ठीक है, और बाहर आपके पास बी एन लेने के लिए हमेशा मौजूद रहेगा। ठीक है ना, सो दिस इज़ हाउ यू प्रोसीड। चलिए एक और सिंपल सा एग्जांपल है, 1/1 + x प्लस एक्स अपॉन 1 + x² x² / 1 + x³। तो एक चीज़ तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि अगर मैं इसका एक जनरल टर्म बनाऊँ तो ये क्या बनेगा, x की पावर, ये ज़ीरो से शुरू हो रहा है, तो x की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 + x^n। इस तरह का क्या बनेगा, ये एक जनरल टर्म बनेगा। अब इसकी खास बात ये है कि हमने इसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है x ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए। ठीक है, अब आपको जो है ऐसे एग्जांपल के साथ थोड़ा सा हैबिचुअल होना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हम n के साथ सॉल्व कर रहे थे, अब यहाँ पे x के साथ आ गया है। तो x के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि ज़्यादातर जो आपके सीक्वेंस जो सीरीज होते हैं वो अपना जो कहते हैं ना कन्वर्जेंस डाइवर्जन, ये जो है नखरे करते हैं ज़रा।
किनके ऊपर नखरे करते हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है माइनस वन से लेकर ज़ीरो पर, ज़ीरो से लेकर वन पर, फिर वन के आगे ये एक तरह का दिखाते हैं, माइनस वन के पीछे वो एक तरह का रूप दिखाते हैं। तो मेनली उसके तीन कैटेगरीज होती हैं, एक माइनस वन से छोटे वाले पर, माइनस वन से लेकर वन पर, इसको मैं फिलहाल एक ही पकड़ रही हूँ, और वन से बड़े पर। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने साफ कहा है कि आपका x जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, यानी कि x जो है यहाँ से शुरू हो रहा है। तो मुझे दो चीज़ें चेक करनी होगी, एक्चुअली तीन चीज़ें चेक करनी होगी, कि जब आपका x जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो और लेस देन वन है, तब जो है ये सीरीज़ कैसे कन्वर्ज करती है कि डाइवर्ज करती है। फिर मुझे एक चेक करना होगा कि जब आपका एक्स वन होगा, फिर मुझे एक चीज़ चेक करनी होगी जब आपका एक्स ग्रेटर देन वन होगा। ठीक है, सो यू शुड बी कम्फर्टेबल विद दीज काइंड ऑफ एग्जाम्पल फ्रॉम ऑनवर्ड्स, क्योंकि अब हम जो है सिंपल सा ट्वेल्थ वाला सीरीज़ नहीं कर रहे हैं कि ज्योमेट्रिक सीरीज़ होगी, आप आर निकालेंगे और यू नो कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस चेक करेंगे। सो यहाँ पे सिंपल सा है कि हमने जो है इन तीन कैटेगरीज पे चेक करना है, बड़ा ही सिंपल सा है। तो सबसे पहले हम कहाँ पे चेक करेंगे, व्हेन एक्स इज, ये फिक्स्ड है। अगर आपके सामने अब ऐसे वाले एग्जांपल आते हैं ना जहाँ पे एक्स हो और एक्स दिया गया हो कि वो यहाँ पर है वहाँ पर है, तो इस तरह से केस अब आपने बनाने हैं। तो केस नंबर वन क्या है हमारा, जब आपका एक्स जो है व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो एंड लेस देन वन। ठीक है, अब देखो जब x इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो एंड लेस देन वन है, तो हम ज़रा ए एन की बात करते हैं। तो ए एन में हम क्या कर सकते हैं, जब एक चीज़ तो मालूम है आपको, जब x जो है वो ज़ीरो और वन के बीच में हो, वन थिंग यू नो, व्हेन x इज़ बिटवीन ज़ीरो एंड वन, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x का पावर n इज़ इक्वल टू ज़ीरो। क्योंकि जब आपका x जो है वो ज़ीरो और वन के बीच में है, तो इसके बीच में कैसे टर्म्स होंगे, एक्स जो है वो कुछ इस तरह की होंगे, जैसे कि वन अपॉन टू होगा, वन अपॉन थ्री होगा, यानी कि वन अपॉन में होगा, वन से छोटा होगा। और आपको मालूम है कि इस केस में अगर हम इनकी पावर लेते हैं एन, और एन को जो है इन्फिनिटी की तरफ टेंड करते हैं, तो क्योंकि आपको मालूम है कि जैसे टू का पावर है वो इंक्रीज़ होता जाएगा और वन अपॉन टू का पावर एन डिक्रीज़ होता जाएगा, सो ये ज़ीरो को टेंड करेंगे। तो एक चीज़ ध्यान में रखिए, जब भी आपका एक्स जो है वो ज़ीरो और वन के बीच में होगा, तो एक्स का पावर एन पे जब हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो आंसर ज़ीरो आएगा। ठीक है, क्योंकि इसका यूज़ यहाँ पर होने वाला है। ओके, अब जो है हम थोड़ा सा क्या कहते हैं यहाँ पर bn निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम bn लेंगे, ये न्यूमरेटर x का पावर n माइनस वन, ये भी आपको मालूम है x का पावर n अगर ज़ीरो को कन्वर्ज कर रहा है, तो x का पावर n माइनस वन भी ज़ीरो को कन्वर्ज करेगा, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। अगर मैं इन दोनों का रेशो लेती हूँ ए एन अपॉन बी एन, तो ये आपका बनेगा बी एन कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा वन अपॉन वन प्लस एक्स का पावर एन। अब आप लगाइए लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी विच इज़ इक्वल टू, जब ये करोगे तो ये आएगा वन, ये क्या है नॉन ज़ीरो फाइनल, इसका मतलब बोथ कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। तो आप बी एन के बारे में क्या कह सकते हैं कि बी एन जो है आपका कन्वर्ज करेगा कि डाइवर्ज करेगा। तो थोड़ा सा आप बी एन को देखिए, जो सीक्वेंस जो सीरीज़ बी एन है वो क्या है, समेशन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो ये कैसा दिखता है, अगर आप एन को रखते हो वन से लेकर इन्फिनिटी, वन रखोगे तो एक्स का पावर ज़ीरो यानी कि वन, प्लस एक्स, प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो ये क्या बन रही है, ये एक तरह की ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, दिस इज़ ज्योमेट्रिक सीरीज़, जियोमेट्रिक सीरीज़, जिसमें कॉमन रेशियो क्या है आपका x है, और x क्या है ज़ीरो से लेकर वन में है। और आपको ये बात मालूम है कि जो ज्योमेट्रिक रेशियो का ज्योमेट्रिक सीरीज़ में जो रेशियो है, अगर वो आपका ज़ीरो और वन के बीच में होता है, यानी मॉड उसका अगर वन से छोटा होता है, तो उस केस में वो क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो बी एन है ये कन्वर्ज करेगा। और क्योंकि ये टेस्ट क्या कहता है कि अगर इनका रेशियो नॉन ज़ीरो फाइनाइट आता है, तो बोथ कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर, देयर फॉर दिस इम्प्लाइज कि आपका ए एन भी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो एक चीज़ आपने यहाँ से जान ली, वो ये कि जब आपका जो है चलो जब आपका एक्स ज़ीरो और वन के बीच में है यहाँ पर, तो आपकी जो सीरीज़ है वो क्या कर रही है,
कन्वर्ज कर रही है। अब हमने किस पे चेक करना है, केस टू। हमारा केस टू है कि हमने चेक करना है व्हेन एक्स इज इक्वल टू वन। जब आपका एक्स वन हो जाता है तो उस केस में हम क्या करेंगे। सो जब आपका एक्स इज इक्वल टू वन है तो उस केस में आपका ए एन क्या हो जाएगा, ए एन हो जाएगा आपके हर केस में, इट विल बी वन अपॉन वन प्लस एक्स, यानी कि वन विच इज़ वन अपॉन टू। ठीक है, अगर आप यहाँ पे भी वन रखते हो तो वन अपॉन वन प्लस टू ही होगा, यानी कि हर केस में आपका ए एन जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है, विच इज़ वन अपॉन टू। अब यहाँ पे आप जो है पहला वाला थ्योरम यूज़ कर सकते हैं कि जब लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन वन अपॉन टू यानी कि नॉन ज़ीरो आ रहा है, तो जब ए एन जो है वो नॉन ज़ीरो होता है तो हम बहुत श्योर से कहते हैं कि आपका जो सीरीज़ ए एन होगा वो डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कंपैरिजन टेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने जो है डायरेक्टली ए एन से कह दिया कि ए एन की लिमिट नॉन ज़ीरो है, देयरफॉर इट डाइवर्जेस। अब हम बात करते हैं केस थर्ड की। केस थर्ड तो हाँ, यहाँ पे जो है वन पे ये क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया। अब केस थर्ड क्या है हमारा, केस थर्ड है हमारा वन से आगे का, व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर देन वन। सो व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर देन वन, उस केस में आप क्या कह सकते हो, भगवान जाने क्या कह सकते हैं। ए एन इज इक्वल टू एक्स के पावर एन माइनस वन डिवाइड बाय वन प्लस एक्स का पावर एन। तो इस केस में आप एक्स जो है वो ग्रेटर देन वन है, ठीक है। अगर ऐसा होता जैसे पहले वाले केस में होता तो मैं इसको बी एन ले लेती इस चीज़ को ना, लेकिन मैं यहाँ पे बता नहीं सकती कि x की पावर n का लिमिट क्या है, इसलिए मैं ऐसी वाली प्रोसीजर नहीं कर सकती। तो इसको थोड़ा सा स्मार्टली हैंडल करना पड़ेगा। x की पावर n माइनस वन को मैं x की पावर n अपॉन x लिख देती हूँ, माइनस वन को वन अपॉन x, और यहाँ पे बनेगा आपका वन अपॉन वन प्लस x का पावर n। ठीक है, अब यहाँ से मैं x का पावर n कॉमन ले लूँगी, तो x की पावर n डिवाइड बाय x इंटू डिवाइड बाय में x की पावर n आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस वन अपॉन एक्स एन आ जाएगा। अब चीज़ क्लियर है कि देखो, अगर आपका x ग्रेटर देन 1 है तो आपने ये चीज़ तो मालूम है कि आपका एक्स एन की पावर n जो है वो क्या करेगा, ये डाइवर्ज करेगा, है ना, क्योंकि x जो है आपका 1 से बड़ा है, जैसे कि 1.2 है, तो 1.2 की पावर n लोगे और n को इन्फिनिटी की तरफ टेंड करोगे तो ये भी इन्फिनिटी की तरफ टेंड होगा, ठीक है ना। सो एक चीज़ तो क्लियर है कि चलो ये तो कैंसिल हो गया, ये नॉन ज़ीरो होगा क्योंकि आपका x कभी ज़ीरो नहीं होने वाला, इसलिए मैंने x को कैंसिल कर पाए, और ये चीज़ जो है वो इन्फिनिटी को टेंड करती है, तो वन अपॉन इन्फिनिटी ज़ीरो को टेंड करेगी, तो आपका जो an है वो कितना हो रहा है, इट इज़, चलो फिलहाल मैं लिखूंगी कि an क्या बन रहा है, an बन रहा है आपका 1 अपॉन x और 1 प्लस 1 अपॉन x का पावर n। ठीक है, तो क्या मैं 1 अपॉन x को bn ले लूं। अच्छा ओके, इसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे, यहीं पे लगा दो n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन, तो ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन x ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 0, क्योंकि ये वाला टर्म 1 अपॉन ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये 0 को टेंड करेगा, तो दिस इज़ 1 अपॉन x, यानी कि आपका जो ए एन है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये ए एन किसके बराबर आ रहा है, 1 अपॉन x के बराबर आ रहा है, x आपका क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, सो दिस इज़ नॉन ज़ीरो। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि आपकी सीरीज़ डाइवर्ज करेगी, क्योंकि अगर आप an जो है वो नॉन ज़ीरो होता है तो इट इज़ डाइवर्जेंट। चलिए आज के लेक्चर का लास्ट एग्जांपल करते हैं। अब ये एग्जांपल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि हम an को लेके इस एग्जांपल को सॉल्व नहीं करते, हम कहीं और से ही शुरुआत करते हैं। सो द एग्जांपल इज समेशन n गोज़ फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन log n टू द पावर log n।
ठीक है, ये इसका पावर में है। ओके ध्यान रखिएगा आप, यहाँ पे n इज इक्वल टू टू क्यों लिया है, n इज इक्वल टू वन से शुरुआत क्यों नहीं की है, क्योंकि आपको मालूम है कि log वन जीरो होता है तो ये डिनोमिनेटर इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इसको वेल डिफाइंड करने के लिए n जो है वो टू से शुरू किया है। ओके अब हम क्या करेंगे, हम देखो यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिया है, या फिर आप कह सकते हैं कि log ऑफ log m, कि लॉग के अंदर लॉग एम, हम एक एम ऐसा ढूंढेंगे जिसके लिए इसका आंसर दो से बड़ा होगा। ये ऐसा क्यों ढूंढेंगे आपको समझ में आएगा, इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये एक ऐसा एग्जांपल है जो, जैसे कहते हैं ना कि खाना कोई ऐसा खाता है तो कोई ऐसे करके खाता है, तो ये वो वाला एग्जांपल है जो सीधा सीधा जिसका आंसर नहीं आता है। सो दिस इज़ लॉग ऑफ लॉग एम ग्रेटर देन टू, ऐसा एम हम ढूंढ सकते हैं कि लॉग एम का वैल्यू भी तो कोई रियल नंबर ही आएगा ना, उसके बाद लॉग ऑफ log m जो है वो भी कोई रियल नंबर आएगा, ठीक है, और ये जो है वो ग्रेटर देन 2 के लिए हम ऐसा m ज़रूर ढूंढ सकते हैं, ठीक है। सो वी फाइंड m सच अ दैट कि log ऑफ log m इज़ ग्रेटर देन 2, ओके। तो m के बाद जितनी भी टर्म्स होंगी, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ये कंडीशन हमेशा होल्ड होगी, ठीक है, क्योंकि m के लिए अगर ग्रेटर देन 2 है तो log का क्या होगा, इंक्रीजिंग आंसर आता है, तो इसीलिए आप जो है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए ये चीज़ लिख सकते हो, जनरलाइज कर दिया मैंने इसको। अब मैं दोनों तरफ log n से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो ये आएगा log n इंटू log ऑफ log n ग्रेटर देन 2 इंटू log ऑफ n। इससे क्या हो जाएगा कि आपका जो ये 2 है ये n के पावर में चला जाएगा, तो ये log n स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे जो log n मल्टीप्लाई में था ये इस log n के पावर में चला जाएगा, जो कि कुछ कुछ हमारा ऐसा दिखता है, और ये n स्क्वायर जो है हमारे काम का आने वाला है। सो log ऑफ log n की पावर log n इज़ ग्रेटर देन log n स्क्वायर। अब आप क्या कर सकते हैं कि ये है log ऑफ दिस टर्म और ये है log ऑफ दिस टर्म, दोनों तरफ क्या ले सकते हैं, एंटी log ले सकते हैं। तो एंटी log लेने पर क्या हो जाएगा कि log ऑफ log n, मतलब log ऑफ n का पावर log n ग्रेटर देन हो जाएगा n स्क्वायर फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ठीक है। और दोनों तरफ अगर हम रिवर्स करते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं, तो वन अपॉन log n टू द पावर log n, जो हमारा रिक्वायर्ड a n था, ये हमारा क्या बन जाता है, a n बन जाता है, वो जो है आपका 1 अपॉन n स्क्वायर से लेस देन आ जाता है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। और ये वाला केस भी हमने पढ़ा है, जब मैं वो केस पढ़ा रही थी तब आपको समझाया था मैंने कि इसका क्या मतलब होता है। सो a n इज लेस देन 1 अपॉन n स्क्वायर फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, तो ये हो गया आपका a n और ये हो गया आपका b n। अब b n कैसा है, b n आपका कन्वर्जेंट है, मतलब सीरीज़ बी एन कन्वर्जेंट है, क्योंकि यहाँ पर दो है वो ग्रेटर देन वन है, तो पी सीरीज़ टेस्ट से आप ये कह सकते हो। और अगर बड़ी वाली कन्वर्जेंट है तो छोटी वाली भी कन्वर्जेंट होगी, यानी कि ए एन भी आपका क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, और इसीलिए ये वाली जो सीरीज़ है ये कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, मैंने ट्राई किया है कि मैं वराइटी मतलब एग्ज़ाम्पल की लूँ, ताकि आप जो है इस तरह के एग्ज़ाम्पल सॉल्व कर सकें। चलिए मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, जहाँ पे हम अलग अलग टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं।